मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हमारे सामने मोबाइल को लेके बहुत ही बड़ा मामला आया है। आप लोगों के पास इस वक्त मोबाइल तो जरूर होगा और आप मोबाइल के ऊपर ही ये वीडियो देख रहे होंगे। आप लोगों के लिए ये वीडियो जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में मोबाइल के साथ क्या क्या सब चीजें हो सकती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा हादसा ग्रेटर नोएडा में हो चुका है। चलिए हम लोग आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए हम आगे की भी वीडियोस आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कुछ ऑप्शंस आपको मैं दूंगी लास्ट में, और बताइए जरूर कि क्या आप लोग भी ऐसा सब चीजें करते हैं। अगर करते हैं तो आप भी ये सब चीजें करना बंद कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ग्रेटर नोएडा से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर गौर सिट 6th Avenue एक बिल्डिंग है, जहां पर एक अपार्टमेंट है और वहां पर अनिल नाम के एक व्यक्ति रहते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। और वो शाम को 7 बजे, ये पूरा मामला शनिवार का बताया जा रहा है, शाम को 7 बजे वो सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकले थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन के चलते हुए काफी सारी रियायतें मिल चुकी है, आप लोग बाहर जा सकते हैं, सब्जी उब्जी खरीद सकते हैं। तो ये भी अपनी फैमिली को, मतलब कि इनकी पत्नी है और इनका बच्चा है, उनको छोड़ के घर पे ये सब्जी लेने के लिए बाहर गए थे शाम को 7 बजे। और उस दौरान ही जब ये वापिस आए, तब इनको अपने ही फ्लैट के जो बाथरूम है वहां से धुआं निकलते हुए दिखाई दे, जिसके कारण ये हड़बड़ाते हुए अंदर गए। तो अंदर जाके देखा कि बेडरूम के जो बाथरूम है, जो अकेला ही है, उसके बाजू के बेडरूम में इनकी पत्नी और इनका बेटा था, जिसको अभी एक्चुअली तो कुछ नहीं हुआ, पर उनको कुछ पता भी नहीं चला। हालांकि इनको बाहर से आने के बाद पता चला, ये स्मेल वगैरह पता चली, और उस दौरान उन्होंने दूसरी जगह से पानी लेके जल्दी से जल्द आग बुझाई। आखिरकार उन्होंने सोचा कि आग लगी कैसे है, और वहां पर स्मोकिंग सेंसर एवरीथिंग वहां पर था और फायर एग्जिट था, कोई भी चीज काम नहीं की है। और उस दौरान ही जब उन्होंने देखा कि बेड पे वो जो फोन रख के गए थे, जो अपना घर पे, उसके चीथड़े उड़े हुए हैं, और उस दौरान ही ये सब चीजें पता चली है कि फोन से ही ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट होने के साथ साथ हालांकि ये बचाव रहा कि उनकी पत्नी और उनका बच्चा वहां पर था नहीं, जिसके कारण उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अभी इसको जो भी पूरा मामला, इसको ठंडा कर लिया गया है, पर उसी के साथ साथ काफी सारे लोगों को ये भी चीज बोला गया है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को आप तकिए के नीचे रख के ना सोएं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, और टेम्परेचर जब हाई होता है तब मोबाइल फट भी सकता है। हालांकि अनिल के साथ कभी भी ऐसे सब चीजें नहीं हुई, ये फर्स्ट टाइम हुई, जिसके कारण वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। वो फोन को थोड़ा बहुत ही टच कर रहे हैं, अदरवाइज टच नहीं कर रहे। अगर आप लोग फोन पे बात कर रहे हैं तो आप लोगों को फोन पे अगर लंबी बातें कर रहे हैं तो हेडफोन लगा के आपको फोन पे बात करनी चाहिए। उसी दौरान ही रात के समय पे फोन को चार्ज पे लगा के ना सोएं, और चार्ज पे अगर लगाते तो भी उसका हीट प्रोसीजर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो फोन रहता है वो ब्लास्ट हो सकता है। और उसी दौरान ही आप कोई भी जो अनदर, जैसे अगर आपके पास आईफोन है या ओप्पो है या वीवो है या कोई भी हॉनर मोबाइल है आपके पास, तो उसी का जो मिला हुआ चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर ही आप उसमें लगाइए, और उस चार्जर के आजू बाजू में कोई भी ऐसी चीज ना रखिए जिससे ब्लास्ट हो सकता है। और अगर कोई भी ऐसा मोबाइल है जो कि गर्म हो रहा है या उसकी बैटरी खराब हो गई है, तो कोई भी ऐसी वैसी बैटरी लेके ना डाले, उसकी ओरिजिनल बैटरी डाले। आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि मोबाइल हमारी जरूरत तो है, पर उसी के साथ साथ नुकसान नहीं करवाना है इसे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।